चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी नीट करना चाहते हैं, नीट एस्पिरेंट है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी बहुत फिलहाल सस्ता हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ फिजिक्स के लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बैचेस नए नए आ रहे हैं, जैसे कि लीडर्स बैच है फॉर ड्रॉपर, जो भी बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनके लिए। अचीवर्स बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर को। फिर मेडिको बैच है, एक स्पेशल बैच रिलीज कर रहे हैं जो कि होगा स्टार्ट 22 सितंबर को। फिर एम्स रैंकर बैच है, यहाँ पे नीट ड्रीम टीम है जो कि इंडिया के कुछ बेस्ट एडुकेटर आपको सिखाएंगे। अद्वितीय बैच है और आपको 20% यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही में अगर आप ओमकार _96 कोड यूज करोगे तो और 10%, मतलब आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का अभी अपडेट देखते हैं क्या अपडेट है। जैसे कि अभी आप सबको बताया, कल से फाइनल ईयर का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे SOP आ चुका है। ओके, तो SOP बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में देखेंगे क्या SOP बोल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर है वो सबको फॉलो करना है। क्या ऑर्डर है? बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, 2-2 मीटर पे, 3-3 मीटर पे रहो, वगैरह वगैरह, जो बेसिक ऑर्डर है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, सेकेंड एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, अगर आपके एरिया में कोई भी रेस्ट्रिक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, इन केस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट इन सर्टन एरियाज, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो हॉल टिकट है, या फिर आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वो यूज करते हो तो आपको कहीं पे भी ट्रेवल करने के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो इश्यू। एंटायर एग्जामिनेशन सेंटर फ्लोर्स वॉल डोर्स शुड बी स्प्रे विद अ डिसइन्फेक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है कॉलेज आपका प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाएगा। कॉलेज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक फ्रेश मास्क दे, और आपका खुद का भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर ग्लव्स और मास्क और जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो अपना ध्यान रख सकते हो, अभी मेडिकल के स्टूडेंट हो तो वो सब कुछ दिया है। कैंडिडेट का जो भी सिटिंग एरिया होगा वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है सैनिटाइज होगा, वॉशरूम क्लीन होंगे, अगर नहीं है तो कॉलेज से कंप्लेंट करो। जो भी आपका डोर्स है वो भी पूरा प्रॉपरली सैनिटाइज होंगे, अगर नहीं है तो कॉलेज से कंप्लेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। जो भी सीनियर स्टाफ है वो एंट्रेंस पे खड़ा रहेगा, प्रॉपरली चेकिंग होगा कि हर एक पॉइंट प्रॉपरली सैनिटाइज है या नहीं है। हर एक का यहाँ पे टेम्परेचर से मेजर करेंगे, थर्मोजोमीटर गन रहती है उससे मेजर करेंगे टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये सब अभी यहाँ पे बेसिक बेसिक है। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कंपलसरी डाउनलोड करना है फॉर कॉलेज स्टूडेंट और जो भी कॉलेज के प्रोफेसर है उनके लिए। ठीक है, तो बहुत सारे और भी गाइडलाइंस है जो इम्पोर्टेंट है, मैं जस्ट आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वही चीज है कि सैनिटाइज प्रॉपरली करो, अच्छे से रहो, और सोशल डिस्टेंसिंग, भले आपके फ्रेंड्स हो लेकिन अलग अलग अगर रीजन से आते हैं तो थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग जितना कर सकते हो उतना मेंटेन करो। ठीक है, एंड ऑफ द डे क्या करना है, जो भी ग्लव्स वगैरह फेंक देना है उसको प्रॉपरली। एंट्री आपका कैसा रहेगा देखो, ओके, सैंपल कैसा है, सिटिंग प्लान कैसा है, एक कैंडिडेट, फिर एम्प्टी स्पेस, देन अगेन सेकेंड कैंडिडेट। ठीक है, तो फिलहाल तो MUHS ने जैसे लास्ट टाइम भी एग्जाम कंडक्ट किया था लॉकडाउन में भी, वैसे ही ये टाइम भी एग्जाम तो कंडक्ट होगा ही होगा। आप अपना ध्यान रखिए, RT-PCR टेस्ट करा के लो, अभी नहीं जब भी 3 दिन रहेंगे, क्योंकि 48 आवर्स का ही रिपोर्ट वो वैलिड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का भी वैक्सीनेशन होगा वो टाइम पे वो वीक में, तो वो वैक्सीनेशन ना ले, वो जल्दी से जल्दी करा के ले। ओके, तो जो भी है गाइडलाइंस फॉलो करो प्रॉपरली, एंड जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। सॉरी मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाया, बिजी था। तो जो भी बच्चे हैं फाइनल ईयर के, सब लोगों को ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छे से जाओ, पेपर लिखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप अपने कॉलेज से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं एक दूसरे के साथ शेयर करो। SOP बहुत ज़्यादा